सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आप लोगों ने पोकेमोन वर्ल्ड में दो ऐसे अलग अलग पोकेमोन तो देखे होंगे जिनको देखकर आपको लगता है कि ये दोनों एक ही एवोल्यूशन लाइन से बिलोंग करते हैं या फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ऐसा होता नहीं है। वो दोनों बिल्कुल अलग अलग पोकेमोन होते हैं बट उनकी डिजाइन काफी सिमिलर होती है। तो आज हम ऐसे टॉप 10 पोकेमोन को देखने वाले हैं जो कि एक दूसरे के एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन लगते हैं। डेफिनेटली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, फियरो और हो-ओ। फियरो एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है कैंटो रीजन से। वहीं पर हो-ओ फायर फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जेन 2 जोटो रीजन से। वैसे तो ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा डिफरेंट है, एक फायर टाइप है तो दूसरा नॉर्मल टाइप है, एक लेजेंडरी है तो दूसरा एक नॉर्मल पोकेमोन है। पर अगर हम इन दोनों के डिजाइन को देखें तो दोनों डिजाइन वाइज काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। हो-ओ बिल्कुल फियरो के एवोल्यूशन की तरह लगता है। इनकी एवोल्यूशन लाइन कुछ इस तरह की हो सकती थी। फर्स्ट स्टेज में ये स्पियरो होता जो कि इवॉल्व होता फियरो में और फाइनली ये हो-ओ में इवॉल्व हो जाता। और इवन इसका हिंट हमें पोकेमोन जर्नीस में भी देखने को मिला था, जहां पर एक एपिसोड में एक लड़का अपने फियरो को हो-ओ का कॉस्ट्यूम पहनाकर उड़ा रहा था। वो बिल्कुल हो-ओ के तरह दिख रहा था। एश और गोबी मान लेते हैं कि वो हो-ओ है, पर बाद में पिकाचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट मारता है जिससे हो-ओ नीचे गिर जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो असली में एक फियरो है। तो हाँ, ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा सिमिलर है और ये एक परफेक्ट एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी। नंबर 2, अर्बोक और सवाइपर। अर्बोक एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है जेन 1 कैंटो से। और आगे जाके होइन में सवाइपर आता है जो कि एक पॉइजन टाइप का पोकेमोन है। अब ये दोनों पोकेमोन स्नेक पर बेस्ड है, दोनों की टाइपिंग सेम है जो कि है प्योर पॉइजन टाइप। और टीम रॉकेट की मेंबर जेसी ने इन दोनों पोकेमोन को पकड़ा था। इसके अलावा एक बार पोकेमोन क्विज में सवाइपर को अर्बोक के एवोल्यूशन की तरह बताया गया था, जिससे काफी लोगों को ये लगने लगा कि अर्बोक इवॉल्व होता है सवाइपर में। इवन मुझे भी ऐसा लगा था, पर ऐसा नहीं है। अर्बोक के पास सिर्फ एक ही एवोल्यूशन है जो कि है एकंस। वहीं पर सवाइपर एक सिंगल स्टेज पोकेमोन है, इसके पास कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, यानी कि दोनों अलग पोकेमोन है। बट मेरे अकॉर्डिंग इनको एक सेम एवोल्यूशन लाइन से होना चाहिए था, ये पूरी तरह से सेंस बनाता। नंबर 3, डिटो और मग। डिटो एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है जेन 1 कैंटो से, ये दूसरे पोकेमोन में बदलने के लिए जाना जाता है। वहीं पर मग भी जेन 1 कैंटो से प्योर पॉइजन टाइप पोकेमोन है। दोनों पोकेमोन की टाइपिंग अलग है, दोनों की स्पेशलिटी भी अलग है, पर दोनों के डिजाइन देखी जाए तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है। डिटो का कलर पिंक है, वहीं पर मग का कलर पर्पल है। दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। इसके अलावा दोनों की बॉडी भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और स्लाइमी है, इसीलिए मुझे लगता है कि डिटो और मग को एक ही एवोल्यूशन लाइन से होना चाहिए था। जैसे कि मग का फर्स्ट एवोल्यूशन डिटो होता, फिर वो इवॉल्व होता है ग्राइमर में एंड फिर फाइनली मग में इवॉल्व होता, ये काफी ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 4, म्यू और म्यू 2। ये दोनों पोकेमोन जेन 1 कैंटो रीजन से प्योर साइकिक टाइप पोकेमोन है। म्यू एक मिथिकल पोकेमोन है, वहीं पर म्यू 2 एक लेजेंडरी पोकेमोन है। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक तरह से राइवल्स हैं। म्यू 2 को म्यू के डीएनए से बनाया गया था, इसीलिए दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए म्यू 2 का नाम म्यू 2 है। देखने में ये दोनों काफी सिमिलर और एक दूसरे के एवोल्यूशन के तरह लगते हैं, पर हम सबको पता है कि म्यू और म्यू 2 दोनों सिंगल स्टेज पोकेमोन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यू 2 एक मैन मेड पोकेमोन है, बट देखा जाए तो यार दोनों एक दूसरे के परफेक्ट एवोल्यूशन लगते हैं। जैसे कि म्यू फर्स्ट स्टेज होता फिर वो इवॉल्व हो जाता म्यू 2 में, ये कितना ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 5, ड्रैगनएयर और माइलोटिक। ड्रैगनएयर एक प्योर ड्रैगन टाइप की पोकेमोन है जेन 1 कैंटो से। वहीं पर माइलोटिक होइन से एक प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है। अब देखा जाए तो ड्रैगनएयर एक 3 स्टेज पोकेमोन है। उसका फर्स्ट स्टेज है ड्रेटिनी, फिर वो इवॉल्व होती है ड्रैगनएयर में और फिर फाइनली वो ड्रैगनाइट में इवॉल्व हो जाती है। अब देखा जाए तो ड्रैगनाइट ड्रेटिनी और ड्रैगनएयर से काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है, वो इस एवोल्यूशन लाइन का नहीं लगता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ड्रैगनाइट को हटाकर माइलोटिक को डाला जाता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता। इसके बाद इसका फर्स्ट स्टेज ड्रैटिनी, फिर वो इवॉल्व होती ड्रैगन एयर में और फिर फाइनल एवोल्यूशन होता माइलोटिक। इवन इसको खुद पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड 10 में ऑफिशियली दिखाया गया था, जहां पर एश और गो सोचते हैं कि ड्रैगनाइट इनके एवोल्यूशन लाइन का नहीं लगता बल्कि माइलोटिक ज्यादा परफेक्ट होता। नंबर 6, बैस्क्यूलिन और कारवाना। बैस्क्यूलिन एक प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है यूनोवा रीजन से। वहीं पर कारवाना एक वाटर और डार्क टाइप का पोकेमोन है जेन 3 होइन से। अब ये पोकेमोन देखने में काफी सिमिलर है क्योंकि ये एक ही फिश पर बेस्ड है जो कि है पिराना, इसीलिए ये दोनों एक ही एवोल्यूशन लाइन के लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। कारवाना इवॉल्व होता है शार्पीडो में, वहीं पर बैस्क्यूलिन इवॉल्व होता है बैस्क्यूलिजन में हिसुई रीजन में। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर बैस्क्यूलिन कारवाना में इवॉल्व होता तो ये ज्यादा परफेक्ट लगता।
नंबर 7 ब्रैम्बल घास्ट और डेलमाइस। वेल ब्रैम्बल घास्ट एक ग्रास और घोस्ट टाइप का पोकेमोन है जेन 9 पालडिया से। वहीं पर डेलमाइस एक घोस्ट और ग्रास टाइप का पोकेमोन है जेन 7 अलोला से। ब्रैम्बल घास्ट टम्बल बीट्स नाम के एक प्लांट पर बेस्ड है, वहीं पर डेलमाइस एक शिप के एंकर पे बेस्ड है। दोनों काफी अलग चीजें हैं पर देखने में ये काफी सिमिलर लगते हैं, साथ में इनकी टाइपिंग एग्जैक्टली सेम है। डेलमाइस एक सिंगल स्टेज पोकेमोन है, वहीं पर ब्रैम्बल घास्ट इवॉल्व होता है ब्रैम्बलिन से। तो मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों को भी एक ही एवोल्यूशन लाइन से होना चाहिए था। इनका फर्स्ट स्टेज ब्रैम्बलिन होता जो कि इवॉल्व होता ब्रैम्बल घास्ट में और फिर वो फाइनली इवॉल्व हो जाता डेलमाइस में। ये काफी ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 8 विशकैश और डॉन डोजो। डॉन डोजो एक प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है जेन 9 पालडिया से। वहीं पर विशकैश एक वाटर ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जेन 3 होइन से। ये इवॉल्व होती है बारबोट से। ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लगते। मेरे अकॉर्डिंग विशकैश को डॉन डोजो का प्री एवोल्यूशन होना चाहिए था। डॉन डोजो और विशकैश दोनों कैटफिश पर बेस्ड है, दोनों के कलर्स भी काफी सिमिलर है। तो हाँ, डॉन डोजो एक परफेक्ट एवोल्यूशन होता विशकैश का। नंबर 9 गोल्डेंगो और सूडोवुडो। वेल गोल्डेंगो एक और जेन 9 का पोकेमोन है। इसकी टाइपिंग स्टील और घोस्ट टाइप है। इसका प्री एवोल्यूशन घिमी घोल है। वहीं पर सूडोवुडो जेन 2 जोटो रीजन से एक रॉक टाइप पोकेमोन है। इसका प्री एवोल्यूशन बॉन्सला है जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगता है, बट मुझे सूडोवुडो और गोल्डेंगो काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। डेफिनेटली एक एवोल्यूशन के तरह तो नहीं, पर गोल्डेंगो सूडोवुडो का एक अल्टरनेट फॉर्म हो सकता था, पर नहीं, ये दोनों अलग अलग पोकेमोन है। फाइनली नंबर 10 डेडेने। डेडेने एक इलेक्ट्रिक और फेरी टाइप की पोकेमोन है जेन 6 कैलोस से। ये एक सिंगल स्टेज पोकेमोन है, यानी कि इसके पास कोई भी प्री एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन नहीं है। इसके पास कम से कम एक एवोल्यूशन तो होना ही चाहिए था। ये अपने फर्स्ट स्टेज में काफी वीक होती है। अब देखा जाए तो इसके एवोल्यूशन के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला है रायचू। रायचू जेन 1 कैंटो से प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है और ये पिकाचू का एवोल्यूशन है। पर ध्यान से देखा जाए तो ये पिकाचू से ज्यादा डेडेने का एवोल्यूशन लगता है। दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, दोनों का कलर भी सेम है। तो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट होता डेडेने के एवोल्यूशन के तरह। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डेडेने फॉर्मर में इवॉल्व होता। ये एक इलेक्ट्रिक और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है जेन 9 पालडिया से। ये दोनों पिकाचू के क्लोन है, टाइपिंग और कलरिंग के मामले में भी काफी सिमिलर है। इसके बाद पॉमो इवॉल्व होता है पॉमॉट में, तो इनका एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता था। फर्स्ट स्टेज डेडेने होता, फिर वो इवॉल्व होता पॉमो में, फिर वो फाइनली पॉमॉट में इवॉल्व हो जाता। ये एवोल्यूशन लाइन बिल्कुल परफेक्ट लगती, बट फिर भी यार मैं चाहता हूँ कि डेडेने को आगे जाके किसी न किसी रीजन में एवोल्यूशन मिले। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।